हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लानेट। माय सेल्फ शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड के टॉपिक पे हैं, है ना। पिछला लेक्चर आपने देखा नहीं है, कोलराउच लॉ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कमेंट किया नहीं मैंने, क्वेश्चन दिए थे कि देखो कमेंट में बता देना डाउट्स हो तो, ठीक है, तो पता चल जाता है ना, वीडियो के वॉच टाइम से भी पता चल जाता है कि इस बार बच्चों ने काम किया नहीं है, ठीक है। उसके पिछले वाला वीडियो आपने पूरा देखा है, इसका मतलब कोलराउच लॉ का बाकी है। कोलराउच लॉ से पहले वाला काम करो, कोलराउच लॉ करो, उसके बाद में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आज मैं ये लेक्चर बना रही हूँ तो आज आपके पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आ जाएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बनाया, पढ़ लिया, तो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मींस फैराडेज लॉ, ठीक है। अब फैराडे आपको दो लॉ दे रहा है ना। फैराडेज लॉ है क्या, तो हम कहेंगे देखो आपको क्या करना है, करंट पास करना है, आपको करंट पास करना है, वायर में नहीं करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे ना, फिजिक्स थोड़ा पढ़ रहे, तो हम मेटालिक कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंडक्टर, है ना। आयनिक चालक की बात कर रहे हैं, आयोनिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आपको करंट पास करना है, ठीक है। मान लो NaCl घोल दिया, अपना फेवरेट है, NaCl घोल दो, मोल्टन स्टेट में ले लो या पानी में घोल दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। तो अगर तुम NaCl मान लो मोल्टन स्टेट में लिया, तो अगर मोल्टन NaCl में तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस कैटायन, Cl माइनस एनायन। अब तुम्हें पता है कैटायन दौड़ के कैथोड पे जाएगा और एनायन दौड़ के एनोड पे जाएगा, है ना। कैटायन कैथोड पे गया, मैंने सिखाया था कार, कैथोड पे रिडक्शन, और एनायन एनोड पे जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, पढ़ा था हमने कार लोन, है ना। कैथोड राइट रिडक्शन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, पढ़ रखा है। तो हम कहेंगे ठीक है, कैटायन है कैथोड पे दौड़ गया और एनायन है एनोड पे चला गया, कैटायन का रिडक्शन हुआ तो वो जमा हो जाएगा, सोडियम प्लस रिड्यूस होगा तो सोडियम बन जाएगा, एम जी प्लस टू रिड्यूस होगा तो एम जी बन जाएगा, है ना। ऐसे ही कुछ है, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो अब वो कितना इकट्ठा होगा, ये लॉ बताता है हमें फैराडेज लॉ, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक, दो टॉपिक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, इनको हम मानते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कि ये कर दीजिए, है ना, मेरा ये वाला फंबल हो जाता है, सेट नहीं होती लाइन, चलो ठीक है। अब क्या करें, तो हम पढ़ रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ, तो मैं कह रही हूं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हमने लिखा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, When electric current is passed, ठीक है भाई, करंट पास करो, किसके अंदर से पास करनी है, तो हमारे पास सोल्यूशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, थ्रू द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कर दी। अब तो हम कहेंगे मेटल इकट्ठा होगा, गैस है तो वो भी इकट्ठी होगी, है ना। तो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके भाई, क्लियर। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जगह वॉल्यूम ऑफ गैस भी तो लिख सकते हैं। मान लो तुमने कहा सीएल माइनस तो एनआईन है, एनोड पे गया, क्लोरीन लिबरेट हुई तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वो एक ही बात है ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode, amount of substance deposited at electrode is directly proportional to charge of the current, ठीक है, पास्ड थ्रू इट, हमने कितना करंट दिया है उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सब्सटेंस आपका कलेक्ट हुआ है, क्लियर। अब मान लो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, आप कह क्या रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब हमने करंट पास की तो कितना सब्सटेंस इकट्ठा हुआ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। क्यू क्या है, तो मैं कह रही हूँ चार्ज ऑफ द करंट,
ठीक है, तो भाई फैराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना सा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द करंट। ठीक है बेटा, यानी आप कह रहे हो W प्रोपोर्शनल टू Q, तो बिल्कुल हम कह रहे हैं W प्रोपोर्शनल टू Q, और W इक्वल्स टू, तो बेटा W इक्वल्स टू जेड क्यू, है ना, W इक्वल्स टू क्या, जेड क्यू। अब जेड क्या है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कल तो समझाया आपको, है ना, जेड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चे, Z क्या है, तो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब तो भटक रहे हो गए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता, एन फैक्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो देखो आई बटन में आपको दिख रहा होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, वो आपको देखना है। ठीक है, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या है, है ना, और मतलब जितना भी इलेवेंथ में आपका जो कॉन्सेप्ट छूटा है ना, जो एनसीईआरटी में नहीं होता बट क्वेश्चन बनता है ट्वेल्थ में, है ना, वो सारा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप एक छोटा सा वीडियो, आई थिंक आधे घंटे का ये वाला वीडियो है, ये आप जरूर देख लेना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का, ठीक है, ये काम आएगा आपको। चलो अब फिलहाल तुम यहाँ मानो कि चलो जेड तो कॉन्स्टेंट है, इसका इक्विवेलेंट वेट से लेना देना है, तो बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे बात करें हम, तो हम कहेंगे देखो हमने बोला W प्रोपोर्शनल टू Q, है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, तो हम कहेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ कह रहा है कि कितना सब्सटेंस जमा हुआ वो डिपेंड करता है आपने कितना चार्ज था, करंट का चार्ज Q कितना था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया बेटा, तो W इक्वल्स टू जेड क्यू। ठीक है, Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब Q क्या होता है, तो मैं कहूंगी Q तो IT होता है कि नहीं, Q क्या होता है, I क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो I इक्वल्स टू Q बाय T, तो Q क्या होता है, I इंटू टी, तो हम कहेंगे हाँ इस बात तो ठीक है। तो बेटा अगर बात ठीक है तो Q की जगह, है ना, Q की जगह मैंने क्या लिख दिया, तो Q की जगह मैंने IT लिख दिया, और अब मैं तुम्हें कहूँ कि इक्वेशन एक और दो से नई इक्वेशन बना लो, तो तुम कहोगे W इक्वल्स टू जेड आई टी। तो बस फैराडे फर्स्ट लॉ याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, W इक्वल्स टू जेड आई टी, W इक्वल्स टू जेड क्यू, क्यू इक्वल्स टू आई टी, और W इक्वल्स टू जेड आई टी फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, W इक्वल्स टू जेड आई टी फैराडे फर्स्ट लॉ, तो हम कहेंगे ओके कोई दिक्कत नहीं, चलो अब Z की थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दो, वो लेक्चर तो देख ही लेंगे। तो देखो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मतलब Z अमाउंट है, Z वेट है, Z का आंसर ग्राम्स में लेना है ना। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं एक एम्पियर की करंट को एक सेकंड तक पास करूं, ठीक है, वन एम्पियर करंट वन सेकेंड तक पास कर दूं, तो जो इकट्ठा होगा सब्सटेंस, जो कलेक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू जेड, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड। आई बात समझ में, यानी मैं ऐसा कह सकती हूं व्हेन वन एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है भाई, वन एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, अगर मैं एक एम्पियर करंट को पास करूं थ्रू द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, through the solution of electrolyte, ठीक है, one ampere current is passed through the solution of electrolyte for one second, not one minute, है ना, ऐसा units लेनी है, one ampere, one second, ठीक है, then, तो जो भी collect होगा, then amount of substance collected at electrode, ठीक है, जो भी सब्सटेंस बेटा कलेक्ट होगा, कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू, है ना, जो भी सब्सटेंस कलेक्ट होगा ग्राम्स के अंदर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें लेना है, ग्राम्स में, तो किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि जेड। इतनी बात क्लियर, तो ओके क्या ही दिक्कत है। अब बेटा Z हम फाइंड कैसे करेंगे, तो Z होता है E by F, क्या Z क्या होता है, E by F, तो मेरे पास तीन इक्वेशन तो आई गई, अब हम चलते हैं फोर्थ इक्वेशन के लिए, तो Z equals to E by F, E क्या है,
इक्विवेलेंट वेट. ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट सिखाया था. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन हो जाए. 8 ग्राम ऑक्सीजन से आपका एलिमेंट जो है कितना जुड़ता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, जुड़ता है या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, वो उसका इक्विवेलेंट मास है. क्लियर है ना? तो हम कहेंगे ठीक है चलो जेड इक्वल्स टू ई बाय एफ, है ना. ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट. एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट. ठीक है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद है 96, है ना, 500 कूलम्स. ओके, तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी की जगह डब्ल्यू इक्वल्स टू ई आई टी अपॉन एफ. बात तो ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी की जगह डब्ल्यू इक्वल्स टू ई आई टी अपॉन एफ. ठीक है, बात तो सही है, क्या ही दिक्कत है. क्लियर, कोई टेंशन नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखो एक बार सारे फॉर्मूले लेंगे, एक साथ सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, है ना. फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला तो हम कहेंगे W इक्वल्स टू जेड क्यू. दूसरा फॉर्मूला तो हम कहेंगे W इक्वल्स टू जेड आई टी. तीसरा फॉर्मूला तो मैं कहूँगी जेड की वैल्यू लिख दो ई आई टी अपॉन एफ. ठीक है, चौथा फॉर्मूला तो बेटा इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो मैं कहूँगी इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन फैक्टर, या इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज कह दो, एन फैक्टर कह दो, वैलेंसी कह दो, एसिसिटी बेसिसिटी कितना तो पढ़ा है हमने. तो हम कहेंगे ठीक है मोलर मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन चार्ज. ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट है, है ना. इसको हटा दूँ, मान लो मैं यहाँ लेती हूँ डब्ल्यू अपॉन ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे ई आई, सॉरी ई तो हट गया ना, आई टी अपॉन एफ. ठीक है, अब इस इक्विवेलेंट वेट की जगह मैं लिख देती हूँ क्या, मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास, एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा, चार्ज इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू तो वही आई टी अपॉन एफ. ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया क्या, तो मैं कहूंगी हाँ. मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो मैं कहूंगी ये तो मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल होता है. ठीक, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपका मोल्स हो गया, तो मैं ऐसा कह दूं आई टी अपॉन चार्ज इन टू एफ, है ना. फॉर्मूले है, मान लो कोई फॉर्मूलों के रूप में ही सवाल पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो सारा पता होना चाहिए, है ना. मोल इक्वल्स टू आई टी अपॉन चार्ज इन टू एफ. चार्ज की जगह बच्चे एन फैक्टर भी तो लिख सकते हो, चार्ज की जगह एन फैक्टर भी तो लिखा जा सकता है. तो हम कहेंगे हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, चार्ज की जगह हम एन फैक्टर लिख सकते हैं. तो मोल इक्वल्स टू क्या बेटा, मोल इक्वल्स टू आई टी अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर इन टू एफ. ऐसा भी हम कर सकते थे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो तो ओके. बोलो सारी बातें क्लियर है. W इक्वल्स टू जेड क्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी, जेड की जगह ई बाय एफ, ई आई टी अपॉन एफ, है ना. इक्विवेलेंट वेट इधर ले लिया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अच्छा इसको मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल दूं क्या, ये क्या है वेट है, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट है, तो बेटा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को ग्राम इक्विवेलेंट्स बोल सकते, है ना. ग्राम इक्विवेलेंट्स भी क्या हुआ, तो मैं कहूँगी आई टी अपॉन एफ, ये भी सही. बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है. इतने सारे बादल बन गए, है ना, तो बारिश का मौसम आने वाला है, सब याद कर लेना, सारे फॉर्मूले एक याद कर लो सब बन जाएंगे. फैराडे का पहला नियम बोलो W इक्वल्स टू जेड आई टी, हम जीत जाएंगे, है ना. W इक्वल्स टू जेड आई टी, ठीक है, वी विल विन, यानी फैराडे फर्स्ट लॉ, इसमें क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है बन जाएगा. बोले थियरी तो ईजी है मैडम, न्यूमेरिकल करा दो, उसमें फंसते हैं, तो चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, कहाँ फंसते हो आप देखें हम. तो देखो पहला सवाल है व्हाट इज वन फैराडे, वॉट इज वन फेराडे, एक फेराडे का मतलब क्या है, वॉट इज वन फेराडे मतलब चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन. कोई पूछे कि भाई एक फेराडे क्या है, तो तुम बोलना एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज वन फेराडे है. ठीक है भाई, वन फेराडे चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा एक फेराडे चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन. ठीक है भाई, वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब एक फैराडे. अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है क्या, ये सबको ही पता होता है भाई, क्या फिजिक्स पढ़ते ही. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स. ठीक है, और एक मोल में कितनी संख्याएं होती है, व्हाट इज द एंटिटीज, है ना, एक मोल में कितने नंबर होते हैं,
भाई डजन बोलो तो 12 होते हैं, किलो बोलो तो 1000 होते हैं, माइक्रो बोलो तो जिसकी पावर -6 होता है ना, और पीको का 12 से रिलेशन है, ठीक है ना, 10 की पावर -12। तो हम कहेंगे हाँ, वैसे एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट है, एक मोल होता है एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 × 10 की पावर 23। तो हम कहेंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आप तो एक का ही बता रहे हो, तो ठीक है भाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 6.02 × 10 की पावर 23। और बच्चे जब इसको तुम सॉल्व करोगे, मैं लम सम लिख रही हूँ, 9 6 5 0 9 6 एक्चुअली 4 8 5 आएगा। अब ठीक है, हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने बैठे हैं, तो 9 6 5 0 0। अब वो कह रही 485 ले तो ले लेना, अदरवाइज ये सही। बोलो समझ में आया, आपको पूछ लिया फैराडे क्यों लेते हो 9 6 5 0 0, क्योंकि ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, पहुंच जाओगी। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया कि कोई तकलीफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तुम्हें Al+3 को Al में बदलना है, ठीक है भाई, Al+3 को Al में बदलना है, ओके। बोलो कितना चार्ज लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, +3 को न्यूट्रल करने के लिए -3, जेब में इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, चार्ज तो दे ही सकते हैं, तो Al+3 + 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ठीक है। अब 1 मोल देखो, है ना, 1 मोल, तो तुम कहोगे 3 मोल, 3 मोल मतलब 3 फैराडे, क्या बेटा 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे, 1 मोल का चार्ज 1 फैराडे, तो 3 मोल का चार्ज कितना, 3 फैराडे, तो ठीक है 3 फैराडे, और 3 फैराडे यानी 3 × 9 6 5 0 0 कूलम्स। बोलो बच्चे कहाँ गए, कर लोगे क्या, अब ये मन कहना मल्टीप्लाई करो, कर लेना ठीक है, 3 × 9 6 5 0 0 कूलम्स, इज इट क्लियर, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, 1 mole MnO4 - 2 Mn+2, MnO4- क्या होता है भाई, क्या होता है MnO4-, के MnO4 सुना है, पोटेशियम पर मैंगनेट, तो पोटेशियम उड़ा दिया ना, तो पर मैंगनेट, मैग्नेट नहीं बोलेंगे, पर मैंगनेट, ओके, किसमें बदल रहा है, Mn+2, रिडॉक्स पढ़ा था कक्षा 11 चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, और नहीं भी पढ़ा तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, है ना, रिडॉक्स तो क्या है, चाय में अदरक का काम करता है, अदरक देख के थोड़ा चाय बनानी होती है, चाय तो बनानी होती है ना, अदरक तो ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं, तो मिल ही जाएगी छुपी छुपी, ठीक है। तो MnO4 - Mn+2 क्लियर है, पहले इक्वेशन बैलेंस करूँ, चार्ज कैसे आएगा, पहले सारे आयन वायन सब सेट कर लो, फिर चार्ज देखेंगे। तो बोलो ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन है, रिडॉक्स पानी में होती है, तो राइट में मुझे 4 वाटर ऐड कर देने चाहिए, बिना सोचे समझे, रिडॉक्स पानी में होती है ना, आखिर मैं स्विमिंग पूल गया था, पानी तो था ही नहीं, अरे मजाक चल रहा है क्या, पानी तो होगा ना, तो फिर रिडॉक्स होगी, तो पानी होना ही चाहिए वाटर में, तो हम कहेंगे MnO4- ऑक्सीजन 4 है, तो 4 वाटर जोड़ दो, ठीक है जोड़ दी। हाइड्रोजन कितने हो गए, बोलो 4 × 8 = 8, ठीक है, तो 8 हाइड्रोजन है बेटा, तो हम यहाँ 8 HIN ऐड कर देते हैं, ये भी ठीक है ना, 8 हाइड्रोजन, तो मैंने 8H+ ion ऐड कर दिए, बोलो कोई तकलीफ है क्या, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ चार्ज है -1, ध्यान से देख लेना, है ना, और हाइड्रोजन 8 है, तो बच्चा +8 बचा कितना, +7, -1 + 8 बचा कितना, +7, और यहाँ बच्चे आपके पास चार्ज है 2, तो यहाँ 7 यहाँ 2 डिफरेंस 5, इधर 7 इधर 2 डिफरेंस क्या है 5 का। अब जेब में इलेक्ट्रॉन है ना, पॉकेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे पास तो माइनस है, यानी मैं माइनस को बढ़ा सकती हूँ और प्लस को कम कर सकती हूँ, मैं माइनस को बढ़ा सकती हूँ और प्लस को क्या कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, क्योंकि जेब में इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे आपके सबके, तो हम कहेंगे ओके चलो, माइनस आप बढ़ा सकते हो, प्लस को कम कर सकते हो, तो भाई यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो ऐसा करो इसको कम कर दो, 2 लियो, वो तो कर सकते, माइनस तो है नहीं ना मेरे पास, समझे ना, 7 को 2 कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं 7 को 2 कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, तो हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बोलो बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्लियर है,
कोई समस्या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है मैडम, सही है, आप कह रहे हो तो सही है। अब सोचो तुम कह रहे हो वन मोल एमएनओ फोर माइनस, हाँ भाई वन मोल एमएनओ फोर माइनस खर्चा कितना है, पांच मोल। एक मोल एमएनओ फोर माइनस के लिए चार्ज कितना चाहिए, पांच मोल। पांच मोल मतलब पांच फेराडे, क्या बेटा पांच मोल मतलब पांच फेराडे, और पांच फेराडे मतलब तो 5 × 96500 कूलम्स कर लेंगे, क्वेश्चन ही तो बनाने हैं, तो 5 × 96500 कूलम्स, बोलो क्लियर है, कर लेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, तो तुम्हें प्रोड्यूस करना है 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, मतलब कैल्शियम क्लोराइड को पिघला दो, करंट कैसे आएगा, सॉलिड में तो आएगा नहीं ना, तो कैल्शियम क्लोराइड को पिघला दो और कैल्शियम प्लस टू बनेगा, है ना, मतलब करंट पास करेंगे नहीं, कैल्शियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में ले आओ तो मोल्टन मतलब आयन्स अलग हो गए, कैल्शियम प्लस टू अलग हो गया, क्लोराइड माइनस अलग हो गया, अब कैल्शियम प्लस टू है वो कैटायन है, वो कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा करो 20 ग्राम इकट्ठा होने में कितना चार्ज लगा ये बता दो, 20 ग्राम इकट्ठा करने के लिए कितना करंट तुम्हारा खर्चा होगा वो बता दो, यही तो पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब तो क्लियर है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम प्लस टू है बेटा, क्या कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम क्या है प्लस टू, खर्चा कितना है दो इलेक्ट्रॉन, बनेगा क्या कैल्शियम, सही है। अभी यहां टू मोल है तो यहां वन मोल है, ठीक है, और बेटा वन मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, क्या वन मोल का मतलब मोलर मास के बराबर होता है ना, ग्राम मोलर मास, एक मोल का वेट उतना ही होता है जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, आई बात समझ में, या एटम में तो एटॉमिक वेट होता है, समझे, एक मोल सोडियम 23 ग्राम, एक मोल एमजी 24 ग्राम, एक मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम, एक मोल कैल्शियम एटॉमिक मास बोलो 40, एक मोल कैल्शियम एटॉमिक मास 40, तो एक मोल कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, तो हम कहेंगे ठीक है ये तो बढ़िया है, तो मैं दो मोल पास करूं तो ये तो 40 ग्राम बन जाएगा, तो अगर मुझे यहां 20 ग्राम प्रोड्यूस करना है बच्चे, यहां आधा कर रही हूं तो यहां पे भी आधा कर लूं क्या, बोलो है ना, दो पे 40 तो 20 पे एक खर्चा होगा ना, इधर आधा करना है तो इधर भी आधा कर दो, तो बेटा एक मोल एक फेराडे और एक फेराडे मतलब 96500 कूलम, क्या मैं गलत कह रही हूं, बोलो है, 40 ग्राम प्रोड्यूस करना था कैल्शियम तो आपका खर्चा था 2 मोल मींस 2 फेराडे, बट मैं कह रही हूँ नहीं 20 ग्राम इकट्ठा करना है तो बोलोगे तो आई नीड 1 फेराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 96500 कूलम, इतना चार्ज चाहिए मुझे, तो ठीक है क्यों आ गया, अब इतना चार्ज लेने के लिए कितनी करंट कितने टाइम तक देनी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, आई बस समझ में ना इतना, तो हम कहेंगे चलो ठीक है। वहां बताइए 46 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, तो बेटा Al2O3 में एल्यूमिनियम तो प्लस 3 है, Al2O3 में क्या है एल्यूमिनियम प्लस 3 है, अब एल्यूमिनियम प्लस 3 कहेगा भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं प्रोड्यूस हो जाऊंगा, ठीक है ना, तो Al2O3 में एल्यूमिनियम आपका प्लस 3 था तो आपने कहा ठीक है भाई दे देते हैं इसको भी, ओके चलो दे देते हैं इसको भी, हाँ दे दिया, अब क्या करें, तो हम रहेंगे रुको भाई शांति रखें, अब क्या करें, 3 फेराडे 3 मोल ये है, ये तो 1 मोल है, इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड है, और अभी 1 मिनट पहले बताया था 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना, 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना 27, एटॉमिक मास 27, अभी याद रखो ही नहीं मैडम तो दिया हुआ होगा, अरे दिया हुआ तो जिंदगी में बहुत कुछ होगा है ना, बट पहले से पता हो तो दिक्कत है क्या, मेरे मोबाइल में मेरे सबके नंबर सेव है, बट 2-4 नंबर मुझे याद ही हो गए तो इमरजेंसी में काम आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, तो ठीक है ना मोबाइल में सेव होता है, सिमिलरली ये डेटा आपको दिया होता है, बट अगर आपको याद है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और याद होना चाहिए, मेमोराइज करो, केमिस्ट्री हर चीज़ मांगती है, कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम दिमाग लगा के ना, ओवरऑल पूरी जो लाइफ है ना वो केमिस्ट्री है, कहीं हमें अच्छा बनना पड़ता है, कहीं हमें एकदम स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, नो ऐसा नहीं होगा है ना, जरूरी होता है जिंदगी में वो भी, तो ऑल ओवर
ठीक है, तो एक ग्रे शेड जिसे बोलते हैं ना, हाँ वो ग्रे, हमेशा ब्लैक भी नहीं हो सकती, हमेशा व्हाइट भी नहीं हो सकती, ग्रे शेड। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें, अभी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही तो है, फिजिक्स लगा रहे हो, पढ़ रहे हो आराम से फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिर कहीं ऐसा आ जाएगा यार याद कर लो, रट लो, डेटा है, बायोमोलिक्यूल टाइप कुछ क्वेश्चन है तो बायोमोलिक्यूल है, तो ठीक है ना, पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, तो फिजिक्स भी लग गया, बायो भी लग गया, और ऑल ओवर केमिस्ट्री तो है, है ना, दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो 3 मोल पे 1 मोल, और अभी तुम्हें सिखाया 1 मोल मतलब 27 ग्राम, क्या बेटा बोलो, 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब कितने ग्राम, तो तुम कहोगे 27 ग्राम, तो तुम कहोगे 27 ग्राम के लिए ये 40, 3 मोल मांग रहा है ना, तो बेटा 3 मोल मतलब 3 फेराडे, 3 मोल मतलब 3 फेराडे, तो मैं कहूंगी हाँ इतना कुलम खर्चा करोगे तो 27 मिलेगा, 40 ग्राम्स के लिए कितना खर्चा करोगे, तो मैंने कल ही तो सिखाया था, हिंदी में सिखाया होगा, मोल वालों को सिखाया होगा, है ना, इसको x मान लो और x की वैल्यू निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बोलो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो, कर सकते हैं ऐसा यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है 27x इक्वल्स टू 3 × 96500 × 40, क्या बेटा 3 × 96500 × 40, तो x कितना होगा, तो बच्चे x होगा 3 × 96500 × 40 / 27, है ना, तो ये आ गया 9, ठीक है, और बाकी तुम्हें अब सॉल्व करना है इसको, क्लियर, आंसर ग्राम्स में, सॉरी कूलम्स में आएगा, चार्ज है ना, तो आंसर किस में आएगा, कूलम्स में आएगा, ठीक है, क्या ही दिक्कत है, बोलो सिंपल है, कर लेंगे, क्या फेराडे लॉ के न्यूमेरिकल चल रहा है, इतने सरल सरल है ना, और देखो और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग, तुम्हें 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है, 1 मोल वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है, पहले बैलेंस इक्वेशन बनाओ, तो मैं कहेंगे देखो वाटर इधर आपको चाहिए O2, है ना, इधर आपको चाहिए O2, अब ऑक्सीजन ट्वाइस है तो ट्वाइस कर लो, ठीक है, वाटर 2 मोल हो गया, बाद में सेट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए क्या बेटा, 4H, तो हम कहेंगे हाँ 4H, ठीक है, अभी यहाँ तो न्यूट्रल ही चल रहा है सारा मामला, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ तो सब कुछ न्यूट्रल ही चल रहा है, न्यूट्रल है ना, यहाँ प्लस का 4 है, अब हम प्लस बढ़ा सकते हैं, सॉरी हम प्लस घटा सकते हैं, माइनस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉकेट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस है, तो हम आपका माइनस बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव चीज कम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो 4H को अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या ये न्यूट्रल हो गया, 4H और 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या ये न्यूट्रल हो गया, और ये न्यूट्रल होते मेरा काम तो बन गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 मोल के लिए 4 फेराडे की बात चल रही है, अगर 2 मोल वाटर है तो बेटा चार्ज कितना है, तो मैं कहूंगी 4 मोल, लेकिन मेरे तो क्वेश्चन में कितना पूछा है, 1 मोल की बात करिए, तो मैं कहूंगी 1 मोल, अब मोल पूरा लिखो आधा लिखो ना, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, और ये कितना हो गया 2 मोल, तो 2 मोल मतलब 2 फेराडे, क्या बेटा 2 मोल वाटर के लिए चार्ज कितना है, तो हम कहेंगे 4 मोल, तो अगर यहाँ 1 मोल कर दूं तो यहाँ 2 मोल, 2 मोल मतलब 2 फेराडे, और 2 फेराडे यानी 2 × 96500 कूलम, बोलो क्या तुम मेरी बात से सहमत हो, सही है 2 × 96500 कूलम, तो फेराडे लॉ समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो पहले इसको स्टॉप करके लाइक करो, है ना, फिर वापस क्लास कंटिन्यू करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास, अब देखो 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, आपके पास FeO का 1 मोल है और उधर क्या है, तो हम कह रहे हैं Fe2O3 है, ठीक है, तो देखो FeO बनाने क्या जा रहे हो, तो हम कह रहे हैं Fe2O3, ठीक है भाई, यहाँ Fe2 है ना, तो मैं 2 कर लेती हूँ, अब ऑक्सीजन मुझे लग रहा है वहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ठीक है एक वाटर डाल देंगे, रेडॉक्स है ना, बराबर तो करनी पड़ेगी, तो 2 FeO, देखो Fe2O3 था, Fe2 था, तो मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ 3 थे, तो मैंने यहाँ एक वाटर डाल दिया, अब एक वाटर डाल दूंगी तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2H, अब लेफ्ट में तो न्यूट्रल है, व्हाइट में पॉजिटिव है, राइट में पॉजिटिव है, और पॉकेट में इलेक्ट्रॉन है, हम प्लस को कम कर सकते हैं, तो कर दो भाई, यहाँ तो वैसे भी न्यूट्रल है, इसको कम कर दो, तो ठीक है ना, तो इसको मैंने न्यूट्रल करने के चक्कर में कम कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए, तो ये न्यूट्रल हो गया,
नाउ स्टूडेंट्स ये ट्वाइस मोल है ना, देखो दो मोल पे दो मोल आ रहा है, टू मोल पे टू मोल, टू मोल मतलब टू फैराडे, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वन मोल पे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है बोलो, तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारा क्वेश्चन तो वन मोल पे बन रहा है। तो जब वन मोल पे बन रहा है तो आंसर इधर वन फैराडे होना चाहिए, और वन फैराडे तो तुम्हें पता ही है क्या बेटा, वन फैराडे कितना होता है 9650 कूलम्स, क्लियर है, क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है आगे बढ़ो। और कौन से क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइज मतलब उसमें करंट पास कर दी, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट तक दे दी, ठीक है भाई, आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर, सही है आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर, और टाइम कितना है बेटा 20 मिनट्स, टाइम है 20 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 20 × 60 कितना 1200 सेकेंड है ना, टाइम करंट 5 एम्पियर की, टाइम आपका 1200 सेकेंड, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था क्यू इक्वल्स टू आई टी, है कि नहीं, फॉर्मूला से गया था ना क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो हम कहेंगे आई और टी दोनों दे रखे हैं भाई बिल्कुल, है ना आई और टी दोनों है बेटा, आई कितना है 5 एम्पियर की करंट 1200 सेकेंड तक पास करनी थी, तो 12 × 60 सही कर रहे, कूलम्स लिख दूं क्या, 6000 कूलम आपने दे दिए, ठीक है तो हम कहेंगे हाँ 6000 कूलम हमने दे दिए। अब निकल का एटॉमिक मास दे रखा है 58.6, एक मोल का मास इतने ग्राम होता है, ठीक है अब हम क्या करें, अब हम इक्वेशन बना लें। देखो निकल नाइट्रेट में निकल प्लस टू है क्या, Ni(NO3)2 है ना, ये तो आता है ना बेटा, ये दो इधर जाएगा एक इधर जाएगा, निकल का चार्ज कितना है प्लस टू, तो हम कहेंगे हाँ निकल का चार्ज प्लस टू है, इसमें क्या सोच रहे हो, तो निकल प्लस टू कह रहा है मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे दो मैं इकट्ठा हो जाऊं, ठीक है बात तो सही। अब देखो बेटा यहां अगर मैं दो मोल चार्ज पास करती हूं तो ये वन मोल इकट्ठा होता है, दो मोल चार्ज दे रही हूं तो वन मोल इकट्ठा हो रहा है, वन मोल निकल का मास बोलो, बोलो वन मोल निकल का मास बोलो, तो तुम कहोगे मैडम एटॉमिक मास अब इसका तो नहीं याद होता है, इसका नहीं याद होगा तो दिया भी था 58.6, तो हम कहेंगे ठीक है। तो बच्चे अब हुआ क्या, तो अब हम कहेंगे 2 मोल चार्ज मतलब 2 × 96500, ठीक है 2 × 96500 सी मतलब कूलम्स, और आप कह रहे हो इतना चार्ज दूंगा तो इतना ग्राम तो इकट्ठा हो ही जाएगा, ठीक है 58.6 ग्राम इकट्ठा हो जाएगा। अब कितना चार्ज हमारे पास है, तो हमारे पास तो 6000 कूलम्स है, हमारे पास कितना है 6000 कूलम्स है, तो कितना इकट्ठा होगा, तो बच्चे इसको एक्स मान लो, सॉल्व कर लो, है ना, अब ये यूनिटरी मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, है ना, तो हम कहेंगे ओके चलो 2 × 96500 एक्स इक्वल्स टू 6000 × 58.6 बना लोगे इतना, तो नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो एक्स इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 6000 × 58.6 डिवाइडेड बाय 2 × 96500, ठीक है चलो मान लिया। अब क्या करें, कितने जीरो उड़ाएं, दो जीरो उड़ा दें, दो जीरो उड़ा दो फिर आ गया ना, तो ऐसा करो तीन उड़ा दो, ठीक है और ये 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करें, तो अब हम लिख देते हैं भाई 3 × 586, ठीक है 3 × 586 डिवाइडेड बाय 965, क्या है ये वेट है, वेट है तो ग्राम्स में लिख देना, क्लियर है, अगर वेट है तो ग्राम्स में लिख देना, क्या तकलीफ, बोलो कर लेंगे, सिंपल है। अब मुझे कैसे पता चला निकल प्लस टू है, तो उसने दे रखा है ना निकल नाइट्रेट, है ना निकल नाइट्रेट में निकल क्या होगा, निकल प्लस टू, बोलो क्लियर है, आगे बढ़ूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96.5 एम्पियर करंट पास 100 सेकेंड 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यहां आपका आ गया फेराडे सेकेंड लॉ, ठीक है बेटा यहां आपका आ गया फेराडे सेकेंड लॉ, आज ही करा दो फेराडे सेकेंड लॉ, चलो पढ़ा देती हूँ चलो, है ना रह जाएगा नहीं तो, फेराडे सेकेंड लॉ, फेराडे सेकेंड लॉ, फेराडे सेकेंड लॉ,
अब फेराडे क्या कहता है कि देखो आपको इतना तो क्लियर है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट पास करता हूँ तो जितनी करंट पास करूंगा उतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, उतना मेरा सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम टाइम तक सेम करंट पास करता हूँ, ठीक है, मेरी 5 एम्पीयर की करंट आ रही है और 5 सेकेंड मैंने इसमें पास की, तो इसमें 5 सेकेंड, इसमें 5 सेकेंड, ठीक है, तो मैं सेम टाइम तक सेम करंट पास करता हूँ, है ना। अब देखो मैं सर्किट ही बना रही हूँ पूरा, मैं सिंपल जैसे मान लो कि यहाँ मैंने एसिडिफाइड वाटर ले लिया, ठीक है। अब अगर मैंने एसिडिफाइड वाटर ले लिया तो बेटा वाटर में करंट पास करूंगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो इकट्ठा होंगे, तब कहेंगे हाँ ऑब्वियस है ना, एसिडिफाइड वाटर ले लिया। यहाँ मैं क्या करती हूँ, कॉपर सल्फेट ले लेती हूँ, ठीक है, और यहां तुम बोलो जो ले लेते, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते, ठीक है सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ओके चलो बाकी का सर्किट हम पूरा करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं कर क्या रही हूं, तो मैंने यहां क्या किया, यहां मैंने एसिडिफाइड वाटर ले लिया, मुझे तुमने कॉन्सेप्ट समझाना, मैं क्या कर रही हूं, तो एसिडिफाइड वाटर इकट्ठा है ना, और यहां मैं कर रही हूं देखो हाइड्रोजन कितनी जमा हुई बताओ, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट ले लिया, एक्वो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले लिया, ओके भाई कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो कॉपर कितना इकट्ठा होगा वो तुम बता दो, ठीक है भाई। और यहां हमने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वो सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है भाई, तो अब यहां सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो आप बता दो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। तो फिलहाल मैं एक्सपेरिमेंट डेटा बता रही हूं, तो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि सिल्वर तो आपका ना 108 ग्राम इकट्ठा हो रहा है, तो एक बार तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये क्या हुआ 108 ग्राम मतलब एक मोल सिल्वर इकट्ठा हो रहा है, एक मोल ही हुआ। फिर कॉपर को जब मैंने देखा तो ये तो 31.75 ग्राम इकट्ठा हुआ, अब ये क्या मुसीबत है, कॉपर का एटोमिक मास तो 63.5 था, क्या बच्चे कॉपर का एटोमिक मास कितना था, 63.5 था, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 था, लेकिन कॉपर जो है वो 31.75, तो देखो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी कितनी है, तो ये 31.75 ग्राम जो है ये इकट्ठा हो गया, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने क्या किया, मैंने तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए बच्चे, है ना, मैंने ले लिया आपका, पहले में क्या फिल कर दिया, तो पहले में मैंने एसिडिफाइड वाटर इकट्ठा कर दिया, दूसरे में मैंने कॉपर सल्फेट इकट्ठा कर दिया, और तीसरे में मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, और मैंने कहा कि तुम क्या करो, तुम इन सब में करंट पास कर लो, ठीक है, तो तुम इन सब में करंट पास कर रहे हो। अब जैसे ही तुम इन सब में करंट पास करोगे तो तुम क्या देख रहे हो कि भाई अलग अलग सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं, ओके भाई हो रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं। अब क्या करें, हमने इनको एक्सपेरिमेंटली क्या किया, चेक किया हमने इनको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो हमने देखा सिल्वर 108 ग्राम इकट्ठा हुआ है, कॉपर हमारा इतना इकट्ठा हुआ है, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एनफैक्टर देख लो, देखो हाइड्रोजन क्या होता है, 2 H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या बनेगा, H2, है ना, लास्ट में आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिखाया, 2 ग्राम हाइड्रोजन इकट्ठा करना चाह रहे हो ना, तो एनफैक्टर 2 है, ठीक है बेटा, तो यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन इकट्ठी होगी, अब ये क्या मुसीबत है, हाइड्रोजन 1 ग्राम इकट्ठी हुई, 2 ग्राम इकट्ठी होती तो हम सोचते मॉलिक्यूलर मास के बराबर हुई, ठीक है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर मास के बराबर हुई नहीं, देखो H2 का मोलर मास 2 है, लेकिन H2 इकट्ठा करने के लिए चार्ज 2 गया ना, तो मैं कहूंगी 2/2 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इकट्ठी हो रही। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रही हूं कि जब मैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में सेम टाइम तक सेम करंट पास कर रही हूं तो ये जो सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है ना, ये मोलर मास के बराबर नहीं इकट्ठा हो रहा है, ये इक्विवेलेंट वेट के इक्वल इकट्ठा हो रहा है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, सिल्वर का तो चार्ज ही 1 है तो एटॉमिक मास मोलर मास बराबर है। तो ये आपको जो लैंग्वेज कहना चाह रहा है, आपको जो थियरी बताना चाह रहा है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, तो देखो आपसे कहा जा रहा है When same amount of electric current, same amount of electric current is passed, same amount of electric current is passed, passed through the solution of, through the solution of different electrolyte.
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इकट्ठा हुआ, है ना, मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ली, टाइम सेम रखा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज पास्ड थ्रू द सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सेम टाइम, टाइम तो सेम रखा ना मैंने, तो फॉर सेम टाइम, ठीक है, फॉर सेम टाइम, सेम करंट सेम टाइम तक मैंने पास करा, तो मैं क्या देख रही हूं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड, अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस इकट्ठा हुआ बेटा इलेक्ट्रोड इज इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, क्लियर, तो इकट्ठा कितना हुआ, तो मैं कह रही हूं अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही इकट्ठा हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, जितना इक्विवेलेंट वेट है उतना बराबर हुआ, तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इक्वल्स टू ई वन बाई ई टू, तो बिल्कुल हम तो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इक्वल्स टू ई वन बाई ई टू, अब आप सबको पता है डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड आई टी, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है जेड आई टी, अब आपने कहा सेम टाइम तक सेम करंट है, तो आई और टी क्या है कॉन्स्टेंट है, सेम टाइम तक सेम करंट आपने पास करी ना, तो आप ये भी कहना चाह रहे हो कि डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इक्वल्स टू जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू, तो बिल्कुल मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो जेड है उसका ई से तो लेना देना है ही, इक्विवेलेंट वेट से लेना देना है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल्स टू तो ई वन अपॉन ई टू, ठीक है, ये आपका क्या है, तो भाई ये फैराडे सेकेंड लॉ है, ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताओ, क्योंकि देखो एआर वाले क्वेश्चन है थियरी वाले क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन चारों थियरी होते हैं वहां अपन फंस जाते हैं, तो उनको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तो एक स्टेटमेंट है वो अपन को लर्न होना चाहिए कि हाँ भाई फैराडे ने क्या बोला था, अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ठीक है ना, और सेम टाइम तक सेम करंट पास कर रहे हो, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, जो वेट आएगा ना, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, अब इक्विवेलेंट वेट में तुम नहीं अटकोगे, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, चार्ज तो सबका पता है, रोज बता रही हूँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वाला पढ़ लेना, बहुत अच्छा लेक्चर है, 12th एनसीईआरटी में नहीं है बट इससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अटकोगे नहीं तो आधे टाइम तो इक्विवेलेंट वेट में अटक ही जाते हो, डर ही लगता है और छोड़ ही देते हो, ऐसा नहीं करना है, तैयारी फुल मार्क्स की, ठीक है, फिर जितने भी आए तैयारी हमारी बहुत बढ़िया होनी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए मैंने कुछ सीखा है, आज की मैंने क्लास अटेंड करी थी तो हाँ मुझे फैराडे के बारे में सब कुछ पता है, मेरा फैराडे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैराडे वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे अगर आप आईआईटीज जाते हो, है ना, अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें काम आएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री का मिक्सचर है, ये आपको काम आएगा, है ना, चलो यहाँ तक क्लियर है, अब देखते देखो ये क्वेश्चन कैसे बना रहा है, तो देखो 96.5 एम्पीयर करंट पास्ड थ्रू, सॉरी पास्ड फॉर 100 सेकेंड थ्रू थ्री डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन NaCl, MgCl2 और AlCl3, ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, अब देखो करंट तो थी तुम्हारी 96.5 एम्पियर, ठीक है भाई, करंट तो 96.5 एम्पियर है, और टाइम कितना है, तो भाई टाइम 100 सेकेंड है, और हमारा फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो बेटा ये हो गया कितना 96.5 इंटू 100, ठीक है, 100 है ना, तो ये हो गया 9650 कूलम, ठीक है, तो मैं कह दूं कि 0.1 फैराडे, एक फैराडे क्या होता है 96500 होता है ना, तो यहाँ एक जीरो कम कर दिया, तो यहाँ 1/10 कर दूं ना, मतलब तो 0.1 फैराडे, ठीक है, अब करना ही क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम NaCl से आएगा, तो बेटा NaCl में तो Na+1 है इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया सोडियम, तो हो गया, ठीक है, अब देखो अगर एक फैराडे है तो ये 23 ग्राम है, एक फैराडे में कितना इकट्ठा होगा 23 ग्राम, तुम कह रहे हो नहीं भाई ये तो 0.1 फैराडे है, तो 0.1 फैराडे पे कितना इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं कह दूंगी 2.3 ग्राम, ठीक है, अब Mg कहाँ से आएगा, MgCl2 से,
तो Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या है Mg। तो बेटा अगर ये दो फेराडे है तो ये 24 ग्राम है। अब ये तो नहीं पूछोगे ना क्यों, क्योंकि दो मोल पे एक मोल है ना, Mg प्लस टू दो फेराडे है तो ये 24 ग्राम है, 24 ग्राम इसका एटॉमिक मास था, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, तो आपके पास ये 0.1 फेराडे है तो इसको x मान लो और सॉल्व कर लो, है ना। और ऐसे भी कर सकते हो, दो पे 24 है, दो का आधा एक हो गया तो 24 का आधा 12 हो गया, और 0.1 है तो वो 1.2, मैं आंसर लिख देती हूँ, सॉल्व तुम कर लो, तो ये 1.2 ग्राम इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर Al वाला है ना, तो AlCl3 से आ रहा है ना Al, तो AlCl3 में तो Al प्लस 3, और ये कह रहा है मुझे तीन फेराडे देना तब मैं इकट्ठा होऊंगा 27 ग्राम, है ना। अगर तुम यहाँ तीन फेराडे दोगे तो ये एक मोल यानी 27 ग्राम इकट्ठा होगा। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो 0.1 फेराडे ही दूंगा, तो इसको x मान लो। और ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो कल का लेक्चर है उसमें मैंने आपको डायरेक्ट कराया था, एक फेराडे मतलब एक इक्विवेलेंट, तो उसका एक इक्विवेलेंट ही जमा होगा। तो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 9, ठीक है, और तुम तो 0.1 लाए हो तो 0.9, तो ये 0.9 ग्राम कलेक्ट होगा। नहीं तो x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्लियर, फेराडे सेकंड लॉ क्लियर, और प्रैक्टिस कराऊंगी लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, नीट के लिए, जेई के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए, CUET दे रहे हो उसके लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।